दोस्तों, उस्मान गाजी एक बहादुर सिपाही और इंसाफ पसंद जंगजू थे। उन्होंने सन 1299 में सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी, जो आगे चलकर 623 सालों तक कायम रही थी। दोस्तों, आज की शानदार वीडियो में हम लोग सल्तनत उस्मानिया के बारे में ही जानेंगे, तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सन 1299 में उस्मान गाजी ने इस सल्तनत की नींव रखी थी और आगे चलकर ये सल्तनत बेहद ताकतवर बन गई और 623 सालों तक कायम रही। उस्मान और उरहान गाजी की लीडरशिप के अंदर ये सल्तनत काफ़ी आगे बढ़ी और दोस्तों, सन 1453 में उस्मानिया सल्तनत के ही 21 साल नौजवान सुल्तान महमद फ़तेह ने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया था और हज़ारों साल से कायम बाज़ंतीन सल्तनत को भी ख़त्म कर दिया था। दोस्तों, महमद फ़तेह एक काबिल सुल्तान थे, इसलिए उन्होंने हर किसी को कुस्तुनतुनिया में रहने की इजाज़त दी थी, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो या यहूदी हो, कोई भी शहर में रह सकता था। और इसके बाद इस शहर का नाम कुस्तुनतुनिया से बदलकर इस्तांबुल कर दिया जाता है और इसे उस्मानिया सल्तनत की नई राजधानी भी बना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, उस्मानिया सल्तनत अभी भी अपने चरम पर नहीं पहुंची थी। दोस्तों, सुल्तान सुलेमान और उनके वालिद सुल्तान सलीम अव्वल के दौर में ये सल्तनत बेहद ताकतवर बन गई। दोस्तों, सुल्तान सुलेमान ने इस सल्तनत की सरहदों को काफ़ी सारे नए इलाकों तक पहुँचाया और दोस्तों, सुल्तान सुलेमान के दौर में ये सल्तनत उस वक्त की सुपर पावर बन गई। दोस्तों, ये सल्तनत बेहद बड़ी और ताकतवर थी। इस सल्तनत का एरिया 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर था और ये 3 महाद्वीप यानी कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर फैली हुई थी। दोस्तों, इस सल्तनत में आज का तुर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, इजिप्ट, हंगरी, मैसेडोनिया, रोमानिया, जॉर्डन, फिलिस्तीन, लेबनान और अरब का भी कुछ हिस्सा आता था। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी आया था जब ये सल्तनत ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि तैमूर सल्तनत के सुल्तान तैमूर लेन ने उस्मानिया सल्तनत को अंकारा की जंग में हरा दिया था और इस हार की वजह से बढ़ती हुई उस्मानिया सल्तनत कुछ वक्त के लिए आगे बढ़ना बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों, जल्द ही तैमूर वहाँ से चले जाते हैं और चाइना की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान अपनी ताकत और अपनी सल्तनत को आगे बढ़ाने लगते हैं। अगर बात की जाए सल्तनत के सबसे ताकतवर सुल्तान की, तो वो सुल्तान सुलेमान द मैग्नीफिशिएंट थे, जिन्होंने इस सल्तनत को एक सुपर पावर बना दिया था। सुल्तान सुलेमान ने 1519 में 10वें सुल्तान के तौर पर सल्तनत उस्मानिया का तख्त संभाला था। दोस्तों, सुल्तान सुलेमान ने लगभग 49 सालों तक इस सल्तनत पर हुकूमत की थी। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी ताकतवर सल्तनत ख़त्म कैसे हो गई। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में ही सल्तनत उस्मानिया काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और फिर इसके बाद सन 1914 में सल्तनत उस्मानिया ने इस जंग में हिस्सा ले लिया और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ हाथ मिला लिया और इसकी वजह से 623 सालों से कायम एक अजीमोसाल सल्तनत ख़त्म हो जाती है और इस सल्तनत के आखिरी सुल्तान महमद सिक्स थे। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी इल्म मिला हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।